लखनऊ पुलिस ने कैसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पूरी राजधानी में गंदा धंधा चला रहा था। सेक्स रैकेट का जब भंडाफोड़ हुआ तो पुलिस भी सकते में आ गई। जब इस पूरे सेक्स रैकेट का विदेशी कनेक्शन निकलकर सामने आया जो लखनऊ के हाई प्रोफाइल इलाके में सेक्स रैकेट दो इलाकों में हुई छापेमारी, चार युवतियों समेत छह लोग गिरफ्तार। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई, जिसके बाद दो अलग अलग टीमें बनाई गई। पहले चिन्हट के विकल्प खंड के रेल विहार कॉलोनी में छापा मारा गया, जहां एक लग्जरी इन होटल में कई जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट चला रही युवती और युवकों को गिरफ्तार कर लिया। देर रात थाना क्षेत्र चिन्हट में विकल्प खंड टीम में लग्जरी इन नाम का एक रूम था। यहाँ पर मुंबई के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई, यहाँ पर सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा है। इस पर जो थाना पुलिस की जो टीम थी वो मौके पर दबिश करती है, जैसे कि यूटी खंड जिसका नेतृत्व करते हैं, और मौके से टोटल 10 लोगों की अरेस्टिंग किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो सेक्स रैकेट के सरगना का नाम सामने आ गया, जो पूरे लखनऊ में गंदा धंधा चला रहा था। दरअसल इस पूरे खेल के पीछे अब्दुल खान और अनिल शर्मा के नाम सामने आए, जो सेक्स रैकेट चलाते हैं। यही नहीं, पुलिस की छापेमारी में चार युवतियां बरामद हुई हैं, उसमें से दो विदेशी हैं, जिनको अब्दुल खान दिल्ली से लाता था और फिर लखनऊ में डिमांड के हिसाब से सप्लाई करता था। इसमें बाद में जब पूछताछ की तो पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम अफजल खान उर्फ राजा है, जो अवैध रूप से सेक्स रैकेट चलाता है, और एक व्यक्ति है ललित शर्मा जो उस ओयो रूम का ओनर है। ये दोनों व्यक्ति सेक्स रैकेट चलाते हैं, ये लड़कियों को बुलाते हैं और इनसे सेक्स रैकेट का संचालन करवाते हैं। इन गिरफ्तारियों में जो 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें चार महिलाएं हैं। इन चार महिलाओं में दो महिलाएं विदेशी नागरिक हैं। दोनों से पूछताछ कर पता चला कि ये ताशकंद उज़्बेकिस्तान की रहने वाली महिलाएं हैं। जब थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि राजा इन महिलाओं को दिल्ली से बुलाता था। किन परिस्थितियों में बुलाता था, कैसे बुलाता था, पैसे का लेन देन कैसे होता था, इसके बारे में अभी छानबीन चल रही है। पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, चार युवतियों समेत छह लोग गिरफ्तार। हिरासत में ली गई दो युवतियां विदेशी, अब्दुल और अनिल चलाते हैं सेक्स रैकेट। अब्दुल दिल्ली से लेकर आता था लड़कियां। इसके साथ ही पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि बाकायदा इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता था। कई ग्रुप्स के जरिए लोगों तक पहुंच बनाई जाती थी और डिमांड के हिसाब से लड़कियों को भेजा जाता था। यही नहीं, पैसों के लेन देन के लिए ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता था। पैसों का ट्रांजैक्शन ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता था, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होते थे। क्लाइंट्स को सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से बुलाया जाता था, और डायरेक्ट राजा जो अफजल खान जो राजा इसका जो मास्टरमाइंड है, किंगपिन है, वो इस पूरे इसको संचालित करता था। सुसंगत धाराओं में थाना चिन्हट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज सब इन लोगों का रिमांड, इन लोगों को न्यायिक हिरासत में आज भेजा जा रहा है, और जो भी साक्ष संकलित किए गए इसके आधार पर आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। इनका मोडस ऑपरेंडी पुलिस के सामने खुलकर आ गया, और ग्राहकों को सेक्स रैकेट का सरगना अब्दुल अपने पते पर बुलाता था, जहां एक होटल में दो कमरे इसी गंदे काम के लिए हमेशा बुक रहते थे। फिलहाल पुलिस ने अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस सेक्स रैकेट के तार कहां कहां तक फैले हुए हैं, इसकी पड़ताल में जुट गई। चिन्हट के लग्जरी इन होटल में चल रहे इंटरनेशनल सेक्स रैकेट में उज्बेकिस्तान की लड़कियां शामिल थी। पुलिस ने उज्बेकिस्तान की दो लड़कियों के साथ ही जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें होटल को लीज पर लेने वाला ललित शर्मा और उसका साथी राजा भी शामिल है। दोनों लोग सोशल मीडिया के जरिए रैकेट का संचालन कर रहे थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों के जरिए ग्राहकों से संपर्क किया जाता था। इसके बाद व्हाट्सएप कॉलिंग से रेट की डीलिंग होती थी। डील फाइनल होने के बाद ग्राहकों को होटल बुलाया जाता था। मनमानी कीमत देने पर विदेशी लड़कियों को ग्राहकों के साथ उनके ठिकाने पर भी भेज दिया जाता था। चूंकि सारी लड़कियां टूरिस्ट वीजा पर भारत आती हैं, इसलिए उन पर नियंत्रण रखने के लिए रैकेट संचालक राजा सभी लड़कियों के पासपोर्ट अपने पास जब्त कर लेता था। रैकेट के तार कितने गहरे हैं,
कौन कौन से नेता, कौन से अफसर और कितने बड़े कारोबारी इससे जुड़े हैं, इस बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। प्रतापगढ़ में शादी समारोह के बीच दुल्हन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद दूल्हा भी सहम गया, तो वहीं दूसरी तरफ लड़की पक्ष वाले झूम उठे। लेकिन दुल्हन की वो हरकत जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अब पुलिस दुल्हन की तलाश में जुट गई है। देखिए रिवॉल्वर वाली दुल्हन। शादी का सजा हुआ था जलसा, दुल्हन का दूल्हा कर रहा था इंतजार, गानों से सराबोर था माहौल। फिर दुल्हन ने ली अजब गजब एंट्री। दरअसल प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना इलाके का वीडियो है जो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने कानून व्यवस्था को बिल्कुल इसी तरह धुआं धुआं कर दिया है। आपने जरूर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के मामले सुने और देखे होंगे, लेकिन ये मामला कुछ अलग है। दरअसल प्रतापगढ़ में शादी का माहौल था, दूल्हा स्टेज पर खड़ा हुआ था, इसी बीच दुल्हन ने एंट्री ली। तभी एक पैर दुल्हन ने स्टेज की सीढ़ियों पर रखा तो दूल्हे ने हाथ बढ़ाकर दुल्हन को थाम लिया, लेकिन तभी दुल्हन ने एक हाथ आसमान में उठा दिया और फिर चली गोली। दुल्हन ने हाथ में पिस्टल थाम रखी थी, दूल्हा थोड़ा सहमा, लेकिन तब तक दुल्हन ने झोंक दिया फायर और फिर सब कुछ धुआं धुआं हो गया। इस दौरान दूल्हा भी सकते में आ गया, लेकिन बात थी फोटो खिंचवाने की तो बकायदा हाथ में पिस्टल थामकर फोटो खिंचवाने की प्रथा का निर्वहन किया गया। लेकिन जैसे ही गोली चली मानो किसी जंग को जीतने जैसी खुशी थी, लोग खुशी से चीखने लगे। ये वीडियो 30 मई का बताया जा रहा है, जहां दूल्हे के दोस्त, रिश्तेदार या फिर दुल्हन पक्ष के लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए फायरिंग नहीं की, बल्कि खुद ही दुल्हन ने पिस्टल थाम कर कानून की धज्जियां उड़ा कर रख दी। फिलहाल वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। अब वो एक नादानी हो गई, कल जेठवारा में एक शादी थी जिसमें एक महिला जिसकी शादी थी उसके चाचा की लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, तो खुशी में के अतिरेक में उन्होंने इसको फायर कर दिया स्टेज पे जाने से पहले, जिसके संबंध में ये एक गलत परंपरा की शुरुआत उन्होंने की, तो मुकदमा पंजीकृत है, उनके लाइसेंस को सीज किया जा रहा है और रिवॉल्वर को हम उसकी रिकवरी कर रहे हैं। उनके वो भाग गए हैं जिनकी रिवॉल्वर वो हट गए हैं, तो इसके लिए हमने मुकदमा भी पंजीकृत किया है और उनका लाइसेंस कैंसिल होगा, रिवॉल्वर सीज होगी और उनका उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। कौशाम्बी में दबंग की खौफनाक करतूत, हर्ष फायरिंग का किया विरोध तो ताना तमंचा। एक तरफ रिवॉल्वर वाली दुल्हन के कारनामे पर लोग झूमते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ हर्ष फायरिंग का विरोध करना ही एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया, जहां एक दबंग ने बुजुर्ग को जान से मारने की कोशिश की। पहले गांव के एक दबंग युवक कपिल ने बुजुर्ग तीरथ को घर से खींच कर बाहर निकाला और फिर पास में बने छोटे से पोखर में फेंक दिया। इसके बाद अपनी अंटी से तमंचा निकालकर बुजुर्ग तीरथ पर तान दिया। दबंग की हरकत को देख बुजुर्ग तीरथ हाथ जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन पागल हो चुका कपिल बुजुर्ग को मारने पर आमादा था। लेकिन इसी बीच बुजुर्ग तीरथ की पत्नी आ गई और दबंग कपिल से उलझ गई। इस दौरान दबंग ने बुजुर्ग महिला पर भी तमंचा तान दिया, लेकिन महिला डरी नहीं और अपने पति की जान बचाने के लिए दबंग युवक से भिड़ गई। हर्ष फायरिंग का विरोध करना पड़ा महंगा, दबंग हुआ बुजुर्ग के खून का प्यासा। बुजुर्ग को मारने की कोशिश करने वाला वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के भी होश उड़ गए और जब पड़ताल हुई तो पता चला कि 25 मई को बुजुर्ग तीरथ तिलक समारोह में गए थे, जहां कुछ युवक फायरिंग कर रहे थे जिसमें कपिल भी शामिल था। उस वक्त बुजुर्ग ने विरोध किया, बस यही बात कपिल को नागवार गुजरी और बुजुर्ग की जान लेने पर आमादा हो गया, लेकिन महिला के शोर मचाने पर वो भाग खड़ा हुआ। क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि बताया जा रहा है थाना सरायकेल के गोटिया गांव का है,
जिसमें एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को पानी में ढकेल रहा है। उसकी एक घर में और महिला है, उससे भी उसकी हाथापाई हो रही है और उसके हाथ में भी एक असलहा दिख रहा है। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई इसमें की जाएगी। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। दुबई पुलिस लगातार दबंग की तलाश कर रही है, लेकिन बात प्रतापगढ़ में रिवॉल्वर वाली दुल्हन की हो या फिर कौशाम्बी में बुजुर्ग को जान से मारने की कोशिश करने वाले दबंग की, दोनों ही जगह कानून को खूंटी पर टांग दिया गया। एबीपी गंगा के लिए कौशाम्बी से अभिसार के साथ प्रतापगढ़ से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। 1 जून से यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान शुरू किया गया, लेकिन पहले ही दिन वैक्सीनेशन के नाम पर जिस तरह से लोगों ने लापरवाही दिखाई है वो जान पर भारी पड़ सकती है। तो वहीं वैक्सीनेशन के महाअभियान के पहले ही दिन व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। देखिए वैक्सीन के बेलगाम फिलर। कोरोना के खिलाफ यूपी में सबसे बड़ी जंग का आगाज हो गया है, यानी कुल मिलाकर यूपी के सभी 75 जिलों में 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया गया। जैसे ही वैक्सीनेशन के इस महाअभियान की शुरुआत का ऐलान किया गया, लोगों के चेहरे खिल उठे थे और व्यवस्था करने वालों से लेकर व्यवस्था संभालने वाले तक सब दावे कर रहे थे कि गलती से भी गलती नहीं होगी। और वैक्सीनेशन का ये महाअभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। एक जून से शुरू हुआ वैक्सीनेशन, राजधानी में ही टूटते नजर आए नियम। कोरोना काल में इस तरह की भीड़ जमा होना गलती नहीं है, पाप है। एक ऐसा पाप जिसकी कीमत कई जिंदगियों को चुकानी पड़ती है, क्योंकि इस भीड़ में अगर एक भी कोरोना संक्रमित पाया गया तो ना जाने कितनों को कोरोना बांट सकता है। लेकिन आप जानकर खुद ही हैरान हो जाएंगे कि ये सभी कोरोना से मुक्ति के लिए एक जगह जमा हुए हैं, जिसने व्यवस्थाओं को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल 1 जून से 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, तो लखनऊ में भी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। पहले पहल तो व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई, लेकिन देखते ही देखते वैक्सीन के लिए लोगों की भीड़ जमा होती चली गई। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाकर रख दी। लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते नजर आए, तो वही व्यवस्थाओं का हवाला देने वाले दूर दूर तक नजर नहीं आए। ये हालात लखनऊ में सिर्फ केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बाहर ही देखने को नहीं मिले। इकाना स्टेडियम में बने मेगा वैक्सीनेशन कैंप में भी सोशल डिस्टेंसिंग को खूंटी पर टांग दिया गया। यहाँ सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आई और ये सब वैक्सीनेशन के लिए हुआ। पहले ही दिन खुल गई पोल। लखनऊ की इन भयावह तस्वीरों के बाद अब आपको दिखाते हैं आगरा की तस्वीरें, जहां भीड़ नजर नहीं आएगी, जहां सब कुछ व्यवस्थित तो नजर आएगा, लेकिन ऊपर से दिखने वाली व्यवस्था की निचली परत पूरी तरह से लापरवाही की कहानी बयां कर रही है। वैक्सीनेशन के पहले दिन ही लापरवाही, वैक्सीन का इंतजार करते रहे लोग। दरअसल आगरा में भी बकायदा प्रशासन की तरफ से वैक्सीनेशन के इस महाअभियान के लिए 66 केंद्र बनाए गए, जहां पहले दिन 6900 लोगों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया। कर्मचारी वक्त पर पहुंच गए, वैक्सीन लगवाने वाले पहुंच गए, लेकिन तय वक्त पर वैक्सीन ही वैक्सीनेशन कैंप तक नहीं पहुंची। देखिए किस तरह से इसे लापरवाही कहें या इनको अभी तक जो वैक्सीन है वो मिली नहीं है, ये नगर निगम का कार्यकारिणी कक्ष है और यहाँ जो पूरी टीम बैठी हुई है, लेकिन वैक्सीनेशन की यहाँ शुरुआत नहीं हुई है। क्या वजह है, क्यों शुरुआत नहीं हुई है? आज वो मेगा ड्राइव शुरू हो गई है। आज अभी मैंने बात की थी डॉक्टर से, तो वो बोल रही है अभी वैक्सीन नहीं आई है उनके सेंटर पर, तो वैक्सीन आती वो आ रही है। उन्होंने बोला था 5 मिनट में आ रही है, फिर मैंने दोबारा कॉल की तो वो बोली भाई अभी वैक्सीन नहीं आई है। शासन से जो निर्देश मिलते हैं जमीनी धरातल पर, वो निर्देश किस तरह से उनका अनुपालन होता है
वो यहाँ आपको समझ में आ सकता है। मेगा अभियान की शुरुआत की गई है, 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य इस महीने रखा गया है, 2 महीने में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। वैक्सीन के इंतजार में घंटों लोग बैठे रहे और अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे। इस दौरान लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। पहले ही दिन इस तरह के हालात हैं तो सोचिए, लड़ाई तो लंबी लड़ी जानी है, ऐसे में हालात क्या होंगे। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लंबी कतार, घंटों तक होता रहा वैक्सीन का इंतजार। आप क्या सोचते हैं कि लखनऊ और आगरा के अधिकारियों को इस बात का श्रेय जाता है कि उनके काम की तस्वीरों को सार्वजनिक किया जाए? नहीं, इटावा वाले अधिकारी लोग कम है क्या? सबसे पहले ये लंबी कतार देखिए, कतार में खड़े इंसान की आंखों में इंतजार देखिए जो वैक्सीन के लिए हो रहा है। मतलब कि पूरा का पूरा मेडिकल स्टाफ वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गया, वैक्सीन लगवाने वाले पहुंच गए, लेकिन वैक्सीन ही नहीं पहुंची। और जब वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछा गया तो गजब का तर्क सुन लीजिए। बात करें तो आशा बहुएं और जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं, सारा वो तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ वैक्सीन नहीं आई है। बात वैक्सीन बसी हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ आप बताइए, 9:20 हो गए, बाहर लोग लगे हुए हैं, क्यों नहीं अभी शुरू हो पाया? भैया वैक्सीन फंसी हुई है जाम में, आ रही है वहाँ से निकल आई। अच्छा, वैक्सीन भी जाम में फंसने लगी है, गाड़ी में रखी आएगी तो जाम में नहीं फंसेगी? इनका कहना है कि वैक्सीन जाम में फंसी हुई है, तो यहाँ लोगों से भी बात करते हैं कि मैडम क्या नाम है आपका? रंजना जी। कितने बजे से आई हो, आपको कितने बजे का स्लॉट मिला था? 9 बजे से 11 बजे का स्लॉट मिला हुआ है। क्या बता रहे हैं ये लोग अभी? देर लगेगी, टाइम लगेगा। एक भाई और हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत है। ये लोग बोल रहे हैं 9:30 बजे स्टार्ट होगा, जबकि टाइमिंग 9 बजे का दिया हुआ है। स्लॉट 9 बजे का मिला, स्लॉट 9 बजे बोल रहा था। तो इनको सारी प्रिपरेशन पहले से करके रखनी चाहिए थी, ताकि टाइम से वैक्सीनेशन हो जाए, लोग फ्री हो जाए अपने काम पे जाने के लिए। सोचिए, ये हालात तब है जब लगातार कोरोना का डर बना हुआ है और वैक्सीन ही आखिरी विकल्प है, लेकिन फिर भी वैक्सीन को लेकर न लोग समझने को तैयार है और न ही जिम्मेदार। पहले दिन ही हालात ये हैं तो सोचिए, लड़ाई लंबी है और उस दौरान क्या हालात हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। नोएडा में बंद पड़े कमरे का जब दरवाजा खुला तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि बिस्तर पर पड़े थे युवक और युवती के खून से लथपथ शव। जरूर पुलिस इसे सुसाइड बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह कदम क्यों उठाया? दीवारों में दफन, सुसाइड के सबूत। जब खुला एक कमरे का दरवाजा मच गया इलाके में हड़कंप। बिस्तर पर खून से लथपथ मिले युवक युवती के शव। नोएडा के सेक्टर 49 इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सूचना पर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। रिहायशी इलाके में बने हुए कमरे की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ने लगे और जब उस कमरे का दरवाजा खुला तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल सोरखा गांव के इस कमरे के अंदर बिस्तर पर दो शव पड़े हुए थे। युवक युवती के दोनों शव खून से लथपथ थे, तो वहीं पास में पड़ी थी एक पिस्टल। जैसे ही पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला, इलाके में हड़कंप मच गया कि आखिर इस वारदात को अंजाम किसने दिया, वो भी रिहायशी इलाके में आकर। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने पड़ताल शुरू की और फिर सारा मामला खुलता चला गया। दरअसल कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिससे पता चलता है कि बाहर से आई किसी शख्स ने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया, बल्कि सुसाइड है, जिसमें पुलिस की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि पहले युवक ने युवती की गोली मारकर हत्या की और फिर खुद को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ तोरखा है थाना नोएडा क्षेत्र में, और सुबह ये सूचना मिली थी कि एक कमरे में एक युवक और युवती का शव यहाँ मौजूद मिला।